अस्सलामु अलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं किसी काम से, हस्बैंड का था बैंक का काम, तो हम निकल चल पड़े हैं। तो साथ में बच्चे भी ले लिए हैं, इनको भी थोड़ा सा हम घुमा देंगे और वापस रात तक। सो फ्रेंड्स, हम आए लोटस टेम्पल पे और अभी कुछ इवनिंग का टाइम हो रहा है। तो इधर जुहैब, सागिब, फरहान, सनाबाजी, मम्मी और मैं हैं। तो 3 बजे तक हम वहाँ से फारिग हो गए थे, 3 बज गए थे बैंक वैंक में, और वहाँ तक पहुँचते में, घर से उठते में ही देर हो जाती है, कोई जल्दी से उठते नहीं है। तो हमारे साथ में हैं बच्चे सना, फरहान, जुबी और साकिब, अमान, मैं और अमान के अब्बा हैं। तो हम इतने जने ही जा सकते हैं गाड़ी में, एक में हम कितने जाएंगे। तो हमारा बैंक से जब छूट गए थे तो बिल्कुल 3 बज गए थे, तो सोचा कि बच्चों को कहीं घुमा देते, तो हम चले गए थे लोटस टेम्पल पे। तो ये है एक घूमने की जगह है, बस ऐसे घूमते हैं। और हम बहुत पहुँचते पहुँचते देर हो गई, क्योंकि ये भी एक बड़े दूर है दिल्ली में ही, लेकिन दिल्ली दिल्ली में ही दूर पड़ जाता है वो जाने में, तो काफ़ी दूर था। 1-1.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच गए, 1 घंटे के बाद में। तो वहां पहुंचने के बाद में अंदर चले गए, तो अंदर का ही रास्ता देखिए कितनी दूर है, काफी। तो जाने का रास्ता बना रखा है कुछ दूर तक, तो ऐसे ही जा रहे हैं, उन्होंने एक छोटा रास्ता दिया हुआ है। ये बहुत पहले देखा हुआ है मेरा, बहुत पहले, जब ये मतलब नया में बना था, तो बहुत टाइम हो गया जब हम यहाँ भी नहीं आए थे उस टाइम से। तो फिर अब ये बच्चों ने तो देखा ही नहीं था, तो इन्हें दिखाने ले गए थे। तो यहाँ एक साइड से रास्ता दिया है अंदर जाने का और एक से आने का, तो इस तरीके से हम अंदर गए थे। और अंदर जो था जल्दी बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने 4-5 ही बजे इसे बंद भी कर दिया था, क्योंकि अब हम अंदर गए थे तो वहाँ कैमरा ले जाने भी नहीं दे रहे थे। तो बच्चे यहीं पर फोटो खींच रहे हैं अपना, सब एक दूसरे का साथ में, तो यहाँ फोटो चल रहे हैं और सभी पब्लिक अपने अपने फोटो खींच रही है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर को जा रहे हैं, तो कैसे दिया है इन्होंने, आधे में आते रहे लोग और आधे में जाते रहे, तो कुछ अलग भी है रास्ता जिससे अलग से आते हैं घूम फिर करके, क्योंकि इसका एक कमल के फूल का डिजाइन दिया है, तो पानी भी बनाया है चारों साइड में। तो हमने दिखाया भी था थोड़ा सा, पानी वानी की भी फोटो ले ली थी, ये जो पीछे मेरे दिख रहा है, तो बस इस तरीके से चारों साइड में ही है इसका, जिसने देखा होगा तो उनको मालूम ही रहेगा। तो ये हम और ऊपर पहुंच गए हैं, तो थोड़े थोड़े से लोग अंदर जाते हैं और अंदर का नहीं बना सकते हैं, तो अंदर का है ही नहीं हमारे पास में। Yes, sir. From where are you from? Sierra Leone. Okay, yeah, from South Africa. I'm Saudi Arabia. Okay, Saudi Arabia. I'm working. Yeah. I'm here in India. Okay, yeah, here working. Yeah. No, working in Saudi Arabia. Okay. We are Indian, but he is working over there. Oh, okay, in Saudi Arabia. Yeah. Okay. Well, we are here for treatment. Yeah, we have. तो हम अंदर चले गए और अंदर एक टेम्पल ही है जो कि बिल्कुल खाली है, और इसमें कोई भी जाएगा और अपनी हिसाब से अपनी प्रे कर लो, या उसमें खामोश होकर बैठ के देख कर आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से ही 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही बस उसके गेट खोल देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम पानी के किनारे चल फिर करके आ गए, तो वीडियो हम वहाँ पर बना नहीं सकते क्योंकि बंद करके मोबाइल को अंदर जाने देते हैं, मतलब ऑफ करके। तो बस बाहर आ गए, और देखिए जब हम जा रहे थे तो ऊपर से फ्लाइट भी जा रही थी, तो हम आ गए बाहर उतर के। काफ़ी दूर है ये अंदर ही अंदर में, तो आधा घंटा 1.25 घंटा अंदर ही चलने में लग गया। फिर बाहर आ गए, भूख लग रही थी, तो यहाँ हमने खाना खाया, और दोपहर हमने फालूदा खा लिया था, तो उससे हमारा जी ख़राब हो रहा था, जी मछली आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम खाना खा रहे हैं और जिसका जी ख़राब हो रहा है उनको उल्टी आ रही, मुझे, अमान को और थोड़ी बहुत सना को बस, और मुझे ज़्यादा और अमान को ज़्यादा। तो बस बहुत जी ख़राब हो रहा था, तो यहाँ हमने कुछ छोटा छोटा सा ठंडा अपने अपनी पसंद का लिया है, और यहाँ अब हम घर की तरफ को आ रहे हैं। बस ये है मेरा इंडिया का लास्ट व्लॉग, तो यहाँ हम पीकर अपना, और थोड़ा सा जब जी सही हो गया घर आ गए थे। तो ये है
कुछ टाइम और दो दिन बाद की, तो यहाँ अपने यहाँ अपने सब कुछ घर से आए हुए हैं मिलने के लिए। तो आई हुई थी हमारी बड़ी नंद आई हुई थी और उनके बेटा बहू भी आए हुए थे और उनसे छोटी नंद भी आई हुई थी। तो इस तरीके से ये सब कुछ आए हुए थे, ये हमारे नंदोई बैठे हुए थे और ये दूसरे वाले नंबर के बैठे हुए हैं और ये तो हमारे देवरी हैं और इनके बच्चे। तो हम हैं अपनी छत पर और छत पर हमारा देखिए यहाँ खाना चल रहा है। तो आज हमारी हो रही थी फिश फ्राई और हमने जो जब से हम गए थे तब हम करते थे चिकन फ्राई हर टाइम। तो हम क्या करते थे जब भी होता था तो बाहर करवा लिया करते थे। तो अभी फिश को बाहर शायद नहीं कर रहे थे और हमने अपने घर में ही करी थी। तो ये है हमारी बड़ी वाली नंद, ये ज़ैबा बैठी हुई है जो कि पानी ये दे रही है, ये नमीरा। तो हम लोग बाद में ही खाएंगे, लाइट का भी इशू है और फिश के अंदर काटा रहता और फिश हमारे यहाँ थोड़ी कम खाई जाती है तो इसलिए। और यहाँ छत पर ही बातें चल रही हैं और हस्बैंड वहाँ पर फिश फ्राई कर रहे थे तो वो काम उन्होंने ही किया था सारा। और खाना तो ये है कि बना लेते हैं सब घर में ही, अपना ज़ैबा या कोई भी नमीरा, और सब मिलके बना लेते हैं। तो ये हमारा चल रहा है अभी। नंद है हमारी दोनों तीनों और गुलिश्ता भी आई हुई थी। गुलिश्ता को तो आप जानते ही हो, ब्लैक दुपट्टे में थी अभी। तो ये बड़ी वाली नंद की बहू ही है जो कि यहाँ रह के भी गई थी। अयान का ये अयान दिख रहा है सामने, तो अयान का यहाँ बर्थडे बना था। तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं सब ऊपर छत पर। नदीम भी पहुँचे हुए थे क्योंकि यहाँ मक्का में है नदीम, तो यहाँ से नदीम भी गए हुए थे और यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ। तो छत पर ही हैं, सभी छत पर हैं और जिसको अभी ज़रूरत नहीं थी जिनकी, तो वो नीचे बैठकर अपने आराम कर रहे थे। तो यहाँ खा रहे हैं अभी हम, मैं बैठी हूँ, अमान है, अमान के अब्बा हैं और हमारे देवर हैं उधर, और हमारे नंदोई भी बैठ गए हैं, ऐसे ही बैठ गए, साथ में बिठा लिए हैं। नदीम है और यहाँ गुलिश्ता, ज़ैबा और नमीरा, ये सभी बैठ कर अब हम खा रहे हैं, जो कि बड़ी देर में खाया था हमने क्योंकि फिश का खाना था। तो और जो भी था सालन रोटी और जो भी हमने खाया, तो फिश मेन था कि फिश को हमने कैसे खाना है। तो यहाँ हमारा रात का खाना चल रहा है। तो ये आज चलता ही रहता था मिलना मिलाने को, जैसे अभी आते ही थे तो ये आए हुए थे मिलने के लिए, तो यही अपना रात में आज का खाना था। तो छत पर किया था फ्राई की वजह से, छत पर करा था फ्राई करने के लिए, नीचे हो नहीं सकता। तो जो चीज़ अगर फ्राई करनी है तो छत पे आ जाते हैं ऊपर टेरिस पे अपनी। ये है ना फिश का पीस दिखा रहे हैं हमारे देवर। तो ऐसे ही मैं बना रही थी या जो भी बना रहा था। तो ये है कुछ बाद का सीन है, कुछ और टाइम बाद का। तो यहाँ आज हमारी बड़ी वाली बहन ने फिर बुलाया था। अब ये मुझसे पास में ही रहती है मेरे घर के थोड़ी दूर पे, तो ये मुझे हर चीज़ में बुला लेती हैं। तो आज इनके यहाँ इनके देवर हैं रिश्ते के, उनकी बेटी आई हुई थी, शादी उसकी हुई है, तो उसकी उसको बुलाया था इन्होंने शादी के बाद में, उसकी दावत करी थी तो वो आई थी, वो और उसके हस्बैंड बैठे हुए थे। तो अब मुझे तो हर चीज़ में ही, मैं तो वैसे भी रोज़ में भी गई तो खाई आती थी और कोई उनके यहाँ आया है तो मेरी तो रहती ही रहती थी हमारी अपनी दावत। तो यहाँ मेरे साथ में जूबी है या सना है, तो मेरी जो ना मेरा सारी फैमिली की मेरी होती थी, तो हम सभी पहुँचते थे। और चाहे हमारा इनका बहन का घर हो चाहे उनका भाई का हो, तो हम तीनों चारों बंदे ही जाते थे। तो ये फरा और शाजिया जो है ला रही हैं, खिला रही हैं। तो ये आज वो फरीन आई हुई थी, फरीन है तो वो उसका आज दावत थी। और ये देखिए कविशा वीडियो में आ गई है, वैसे मेरे पास या किसी के पास नहीं आती है। तो बस ये थी यहाँ की ऐसी दावतें हमारी चलती रहा करती थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मेरा, कुछ फैमिली का था, कुछ घूमने का था। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।